क्या आप भी एप्पल पेयर फार्मिंग करते हैं? और आपका पौधे में भी आपको जैसे देखा है पत्ता जैसे लीक होने वाला, ऐसे ब्लैक एंड जो है पौधे में घूम रहा है ऐसा, और बहुत सारा बीमारी का सामना कर रहे हैं, और इसका क्या सोल्यूशन है उसके लिए परेशान है, तो आज का वीडियो देखें, क्योंकि ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये एप्पल पेयर का ट्रीटमेंट को भरे। और मेरा ख्याल से ये वीडियो देखेंगे तो आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं। तो फर्स्ट आपको इसका सॉल्यूशन या ट्रीटमेंट जानने से पहले आपको देखना पड़ेगा इसमें एक्चुअल में क्या क्या बीमारी आता है, क्योंकि सही बीमारी आप अगर पकड़ पाएंगे तो सही ट्रीटमेंट कर पाएंगे, सही ट्रीटमेंट कर पाएंगे तो बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। तो फर्स्ट हम जान लेते हैं इसमें क्या क्या बीमारी था। एकदम फर्स्ट में जो आता है इसका पत्ता, ये अगर पत्ता देखेंगे तो एकदम बीच में से होल बन गया पूरा, जैसे लीकेज बन गया, ठीक है, पूरा पत्ता। और इसमें क्या होता है ना, काफ़ी बार देखा जाता है कि ब्रांच पौधे में है और पत्ता पूरा खाली हो चुका है, जाला जाला बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें पत्ता को खा लेते हैं दूसरे इंसेक्ट वगैरह, ठीक है। तो ये पहला एक बीमारी आता है। दूसरा जो बीमारी है ब्लैक एंड, जो इस पौधे का जो नया नया ब्रांच होता है जो ऊपर वाला हिस्सा, इसका अंदर का रस जो खा लेता है और इसको ऐसे सिकुड़ जाता है, आप साइड में वीडियो भी देख सकते हैं, ऐसे सिकुड़ जाता है, तो ये ब्लैक एंड का वजह से होता है। ये दूसरा बीमारी है। तीसरा जो बीमारी आता है मिलीबग वगैरह जो होता है, मिलीबग रेड बग जो है, वो क्या होता है ना, पौधे में पौधे का साथ जुड़ा हुआ रहता है, वो एक फंगीसाइड जैसा होता है, ठीक है, तो वो तीसरा बीमारी होता है। चौथा जो बीमारी आता है वो क्या होता है ना, एक ब्लैक कलर का छोटा छोटा आता है इंसेक्ट वगैरह, जो क्या होता है पौधे का अंदर जो ब्रांच होता है ना, इस ब्रांच का अंदर का जो रस होता है उस रस को खा लेता है। रस खाने से क्या होता है, पौधे का आप देखेंगे पौधे का जो ऊपर वाला नया नया जो नरम नरम जो कली है ये बहुत सूख जाता है, धीरे धीरे देखेंगे सूख जा रहा है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि उसका अंदर में इसका जो रस है वो धीरे धीरे खा रहा है ना। इससे भी अलावा बहुत सारा इंसेक्ट वगैरह जो है, कीड़े मकोड़ा जो है पौधे में अटैक करता है, कोई कीड़े मकोड़ा जो है रात में आ जाता है, कोई कीड़े मकोड़ा जो है मधुमक्खी का साथ फ्लावर में बैठता है और फ्लावर को डैमेज करके गिरा देता है। ऐसे ही बहुत सारा बीमारी, मेनली कीड़ों मकोड़ा का जो अटैक है उसके लिए आपको क्या क्या ट्रीटमेंट फॉलो करना होता है वो हम आगे आगे बताएंगे। ये वीडियो बहुत ही गौर से देखिएगा, क्योंकि हर एक जो बीमारी के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट रहता है, ठीक है। और जो मेडिसिन हम आपको बताएंगे शायद यही कंपनी का मेडिसिन आपको नहीं मिलेगा, तो दूसरा कंपनी सेम कॉम्पोजिशन में दूसरा मेडिसिन ले लीजिएगा तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इस टाइम पर अगर बारिश वगैरह हो जाता है, वेदर का अगर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो फंगस वगैरह जो है आपका अटैक करता है, फंगस का देखा मिलता है पौधे में, फंगस लगता है शुरुआत में आपको उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बट बाद में धीरे धीरे करके आपको फ्लावर को डैमेज करता है और खास करके फ्रूट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, फ्रूट में देखेंगे थोड़ा शेड शेड आ जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। इसी टाइम पर उसका ट्रीटमेंट करना चाहता है, अगर फ्रूट सही लेना है, कलरफुल फ्रूट लेना है, तो इसी टाइम पर अगर सही ट्रीटमेंट करेंगे तो वो बढ़िया फ्रूट रहेगा। तो फर्स्ट हमने आपको जितने भी प्रॉब्लम था वो हमने आपको बताया, उसके साथ अभी सोल्यूशन पर आते हैं। सोल्यूशन में क्या है ना, हमारा जो ये खेत में है, जो बाग में है, इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कीट जो है इसमें अटैक कर रहा है, जैसे आपका ब्लैक एंड होता है या फिर दूसरा जो है मक्खी वगैरह जो इसमें अटैक कर रहा है, पत्ता वगैरह खा रहा है। और एक बात देखेंगे, जैसे पत्ता जो सिकुड़ रहा है, वीडियो आप देख सकते हैं, ऐसे जो सिकुड़ जाएगा तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट करना है। फर्स्ट आपको उसके लिए देना है थीटा, जो सुपर पावर बायो प्रोडक्ट का होता है थीटा, ये थीटा, और उसका साथ आपको देना है साइमा एसिटामेप्राइड 20% SP, साइमा जो है इंसेक्टिसाइड है, इसमें भी आप देख सकते हैं अगर गौर से देखेंगे तो इंसेक्टिसाइड का जो पिक्चर भी इसमें दिया गया है, ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। फिलहाल हमारा पौधे में ये बीमारी है और इसके लिए दोनों हमको इस अभी पौधे में स्प्रे करेंगे। थीटा जो है आपको 1 लीटर में 1.5 ml देने के लिए बताया, बट आपको देना है 2 ml, 2 ml देंगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। और साइमा जो है, एक जो पत्ता आता है साइमा, ये 20 ग्राम का जो पत्ता है, ये 20 ग्राम आपको 15 लीटर में पूरा दे देना है, दे के आपको पूरा जो है खेत में स्प्रे करना है, जितना खेत में आपको जितना बैरल लगेगा उस हिसाब से आप हिसाब कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा एक जो मेडिसिन हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये साइपर गार्ड, जो साइप्रामेथिन ग्रुप का आता है 25% वाला, ठीक है, ये क्या करता है ना, परफेक्टली जो है ब्लैक एंड वगैरह जो है उसमें ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर, ठीक है। फिलहाल हम जो है थीटा और जो साइमा दे रहे हैं ये भी काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर लेता है, बट इसका जो है थोड़ा काम ज़्यादा होता है, तो आज तो फिलहाल हम ये वाला स्प्रे नहीं करेंगे, आज इसको देख के काम जो है चला लेंगे। आपको क्या करना है ना, पौधे का कंडीशन के ऊपर देख के धीरे धीरे इसको स्प्रे करना। आज ये वाला दे दिया, दवाई दे दिया, सामने एक हफ्ते के बाद मान के चले साइपर गार्ड दे दिया, दूसरा हफ्ते के बाद आपको जैसे दूसरा पौधे में क्या होता है ना, जैसे फंगीसाइड वगैरह आ जाता है, तो उसके लिए साफ पाउडर होता है, एनाकोंडा होता है आपका, जैसे एमिस्टर होता है,
और एक बात जो है ना, इंसेक्ट जो होता है, दूसरा जो इंसेक्ट अगर आपको उधर आता है, अगर मिलता है, तो उसके लिए आप एनाकोंडा और टैगराइड मिक्स में स्प्रे कर दीजिए। वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं पौधे में। और अभी तो फिलहाल हम थीटा और साइमा यूज़ कर रहे हैं, अब उसके बदले में दूसरा जैसे कंडीशन को देख के एनाकोंडा और टैगराइड आप यूज़ कर सकते हैं, उसके भी अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है पौधे। तो मोटा मोटी जितना इंफॉर्मेशन था हमने दिया पौधे का जो है ट्रीटमेंट करने के लिए। और आप एक और एक बात इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, जब भी आप मेडिसिन यूज़ करेंगे आप देख लीजिए उसका मेडिसिन का मात्रा जो है, लेबल जो है देख के तो यूज़ कर, कोई भी जहाँ से आप खरीदेंगे वहाँ से पूछ लीजिएगा कितना कि बैरल में कितना देना है, उस हिसाब से आप डाल दीजिएगा। फिलहाल अभी आपका सामने स्प्रे और मिक्स करके दिखाते हैं, टीटा भी देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थीटा भी हमने दे दिया, ठीक है। यहाँ पर ये थीटा भी हमने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। और उसका साथ अभी ये तभी ये साइमा दवाई यहाँ पर दे दिया हमने, तो भी थीटा भी उसको आप लेवल देख लीजिएगा कितने एमएल करके इसमें देना है, अब आपके हिसाब से डाल दीजिएगा। अभी चलिए स्प्रे करके आपको दिखाते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, जब भी आप स्प्रे करेंगे ऊपर से धुआं धुआं करके बहुत लोग छोड़ के चला जाता है, अब थोड़ा गौर से दीजिएगा, थोड़ा धीरे धीरे दीजिएगा ताकि हर पत्ते में लग जाए और अच्छे से फैल जाए, ताकि कीट भी बहुत जो है इसमें कंट्रोल हो जाए, ठीक है। तो दर्शकों एक बात क्या है ना, मोटा मोटी जितना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देने का हमने कोशिश किया। दूसरा कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट ज़रूर करिए, हम जितना ही पर्सनल सजेशन करने का कोशिश करेंगे। और जो और एक बात क्या है ना, रेगुलर हम इस एप्पल बेर का खेती बाड़ी के ऊपर हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं, एक एक सीरीज बना रहे हैं। पिछले ऑलरेडी हमारा 2 वीडियो बन चुका है, अगर नहीं देखा तो जरूर जाके देख लीजिए, क्योंकि एक एक पार्ट अगर देखना है, एक एक पार्ट को आपको जानना, जितना ज़्यादा एक नॉलेज मिलेगा आपको, आपके लिए फार्मिंग के लिए अच्छा है, ठीक है ना। तो आप नॉलेज के लिए वो वीडियो देख लीजिए। और आज का वीडियो भी बना रहे, आगे भी हम वीडियो बनाएंगे बिल्कुल इसी तरीके का जैसे आज फ्लावर का बना रहे। और एक बात क्या है, ये आगे आएगा जैसे फ्रूट का आएगा, दूसरा हम जो इंपॉर्टेंट हमको लगेगा, जो आपका साथ से आपका तरफ से क्वेश्चन हमारा तरफ आएगा, कमेंट में क्वेश्चन कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन के ऊपर भी हम वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए और हमको थोड़ा मोटिवेट करिए, आपका एक सब्सक्राइब से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और बात क्या है ना किसान साथियों, ये जो ट्रीटमेंट आपको बताया ये आप हर 15-20 दिन बाद दीजिएगा, और थोड़ा चेंज करके आपको पौधे का बीमारी देख के दीजिएगा, ऐसा ही नहीं दीजिएगा। आपको मैंने बार पहले भी बताया कि पौधे का क्या कारण है, पौधे में क्या दिक्कत हो रहा है, उस प्रॉब्लम का ऊपर देख के सॉल्यूशन करना है। तो आज अगर आपको हमारा वीडियो जो है पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, थैंक यू।